हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त रमन गौतम। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। जैसे कि गाइस, आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमने मिलिट्री बेस में जाके टॉमी वर्सेटी का सारा कंसाइनमेंट खराब कर दिया, उसकी जो नई कार आई थी वो भी खराब कर दी और उसका पूरा पैसा फटा गाइस मिगुएल मद्रासो के ऊपर। तो गाइस, हमने अपना लगभग थोड़े बहुत एकदम बोलना चाहिए 10% बदला तो ले लिया है, बाकी का हमें और लेना है। चलिए गाइस, चलते हैं गेम के अंदर और देखते हैं हम आगे और क्या क्या धूम मचा सकते हैं। चलो गाइस, जैसे कि हम अपने गेम के अंदर आ चुके हैं, चलो गाइस देखते हैं आज हमें क्या क्या करना है। काफी सारे काम आज भी करने हैं। अब हमें ये देखना है कि अभी तक के जो भी हमने मिलिट्री बेस में कांड करके आए हैं उसके लिए गाली तो खैर मिगुएल मद्रास ही खा रहा है, क्योंकि वो उसके हैंडल में था, उसको हैंडल करना था, वो कंसाइनमेंट वो नहीं कर पाया, हम लोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया, पर दिक्कत में वो आ चुका है। पर गाइस, सब थोड़ी बात यह है कि हम लोग का नाम कहीं से कहीं तक ना आ जाए। आज हमें यही पता करना होगा कि हमारा नाम तो नहीं आ रहा है कहीं से कहीं, तो वो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। नहीं तो गाइस, चलो गाइस, तो हम चेंज वेंज करते हैं, फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कहीं नाम वाम तो नहीं आया। A few moments later. चलो गाइस, तो चेंज वेंज हो गया है, हम जल्दी से जल्दी निकलते हैं ऐसे गाइस, क्योंकि आज हमको पता करना बहुत जरूरी है गाइस, कहीं हमारा नाम तो नहीं आ गया। तो गाइस, मैं सोच रहा हूँ फटाफट निकलता हूँ, लेस्टर के पास चलता हूँ, क्योंकि अब लेस्टर ही बता पाएगा कि कहीं कुछ कांड तो नहीं हो गया हमारे ऊपर। चलो गाइस, फटाफट चलते हैं, तो लेस्टर के पास पहुंचते हैं अपन। फिर गाइस फोन आ रहा है। फिर गाइस, ये डेविन का फोन था और डेविन चाहता है कि मैं एयरपोर्ट में अब भी तुरंत पहुंचूं। गाइस, पता नहीं क्या लोचा हो गया, क्या लपड़ा, नहीं एयरपोर्ट पर तुरंत क्यों बुलवा रहा है गाइस, पर जाके तो देखना ही पड़ेगा क्या दिक्कत है क्या नहीं। चलो गाइस निकलते एयरपोर्ट। मुझे तो गाइस पक्का डाउट लग रहा है कि इन लोग को शायद तक पता चल गया गाइस कि हम ही लोग थे सब कांड के पीछे गाइस, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो भारी दिक्कत हो जाएगी गाइस हमारे साथ, पता ना चला गाइस। बस खैर, चलते हैं एयरपोर्ट, देखते हैं। मस्ती तो हमने खूब करे गाइस लास्ट एपिसोड में, खूब मजा करें, खूब धूम धमाका किए, क्या गाड़ियां उड़ाएं गाइस, क्या टैंक उड़ाए गाइस। आप में से जिसने भी जाके वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो गाइस जरूर जाइए और वो एपिसोड पूरे ध्यान से देखिए, और आपको पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके गाइस उतना शेयर करिए। चले गाइस, तो हम फटाफट पहुँचते हैं अपने यहाँ पे रास्ते पे, एयरपोर्ट पहुँचना हमको गाइस जल्द से जल्द। पता नहीं क्या लोचा हो गया, मेरे को लग रहा है गाइस इन लोग को पता चल गया है, पर सॉरी। पर गाइस, अगर इनको पता चला होता तो मुझे अकेले को नहीं बुलाते, या हम तीनों को बुलाते और वहीं बुलाकर ठोक देते, पर बुलाते ही भी क्यों गाइस, इतना पावरफुल टॉमी वर्सेटी डेविन, ये लोग ये हमारे घर में घुस के हम तोड़ा देते अभी तो है फिलहाल गाइस। पर जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तभी पता चलेगा गाइस आगे का। चलो गाइस, तो हम एयरपोर्ट के आसपास तो आ चुके हैं एयरपोर्ट के गाइस, हम करेक्ट आ रहे हैं कि नहीं? हाँ ओके ओके, एयरपोर्ट पार्किंग, हाँ गाइस एकदम करेक्ट है, हम लोग करेक्ट होते हैं गाइस। चलो एयरपोर्ट चलते हैं गाइस, काफी धकधक हो रही है क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं उनको पता तो नहीं चल गया गाइस, मैं यहाँ जाऊंगा और मुझे अभी यहीं ठोक वोक ना डाले गाइस, काफी टेंशन हो रही है। वैसे नहीं टेंशन, इसमें माइकल और ट्रेवर को भी कॉल नहीं किया, ना ही लेस्टर को और ना ही लमार को, इसलिए गाइस क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं फंसने वाला हूँ मैं इन लोग को क्यों फंसाऊँ गाइस। चलो गाइस, तो अब यहीं से अंदर जाना हमको। चलो गाइस, तो अंदर चलते अपन फिलहाल और देखते कि अपने को क्यों बुलाया गया है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, पता लगा आपकी सिक्योरिटी मारने लगी। डेविन कहाँ? ओए गाइस कहाँ होगा डेविन को ढूंढने की जरूरत, कहाँ? वो देखो गाइस, सबका नाम लिखा है डेविन वेस्टर, क्या चाहिए गाइस, उसकी एयरलाइन से देख रहे हो खुद का प्राइवेट जेट हैंगर है, वहीं कहीं होगा ये। ओके गाइस, वहीं कहीं होगा नहीं, वहीं कहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स काफी तगड़े हैं, कार्स भी। ओ शिट गाइस, देख रहे हो ये गोल्डन कार गाइस, जो बहुत शानदार लग रही गाइस, मुझे देखना तो। और गाइस ये तो वही खड़ी है टॉमी वर्सेटी की कुत्ते वाली कार, और ये डॉग चार्जर गाइस मेरी फेवरेट कार, मेरे को चाहिए गाइस ये कार। पर खैर कोई नहीं, अभी डेविन से पूछते क्यों बुलाया भाई, क्यों बुला रहे हो हमको। चल गाइस, मैं बताता हूँ आपको, गला सूख रहा है मेरा डेविन ने जो बोला है वो सुनने के बाद। यहाँ से निकलते गाइस, मैं उसके बाद भी आपको बता पाऊंगा, अभी मेरी बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही गाइस। जल्दी निकलो, कोई कारोबार पसंद करने की जरूरत नहीं है, भागो ऐसे गाइस, पहले तो निकलो यहाँ से पहली फुर्सत में। खोल यार गेट ने, तो अब तोड़ के चले जाऊंगा गाइस मैं, खोल दे खोल दे खोल दे खोल दे, तोड़ना नहीं है मेरे को, अभी कोई लफड़ा नहीं करना गाइस, अब खोल देना भाई, क्यों ऐसी किस्मत खराब चल रही है और क्यों रोक रहा है गाइस। तो कहानी ऐसी हो गई गाइस, अब तो लोचा हो गया गाइस। डेविन को पता चल चुका है कि वो जो मिलिट्री बेस में कांड हुआ है उसके पीछे हम तीनों ही थे, यानी कि मैं, माइकल और ट्रेवर। पता नहीं गाइस को पता कैसे चला है,
और वो बोल रहा था कि तुम कितनी दोस्ती कर लो एफआईडी से, मेरे आदमी भी तुम्हारे रहेंगे। तो गाइस मुझे पक्का लग रहा है कि हमारी जो लीक हुई है ना वो सिर्फ एफआईडी से ही हो सकती है, हमारी लीक किसी ने गाइस एफआईडी वालों ने किया है और हमें फंसाया है। वो शिट गाइस मैं गलत रास्ते से गया, कोई बात नहीं गाइस, सही रास्ते तो हम बना के ले लेंगे। चलो यहाँ से, ओए सॉरी पुलिस वाले भैया। चलो गाइस तो एफआईडी वाले ने किसी ने तो हमको धोखा दिया गाइस, मुझे 100% है क्योंकि तो डेविन को पता नहीं चल सकता था। अब डेविन की एक सीधी सी शिकायत था गाइस वैसे कि मुझे उसके लिए काम करना है जो कि मुझे फ़ोन करके बताएगा, अगर मैं वो काम कर दूंगा तो वो मेरा नाम क्लियर कर देगा। और गाइस उसने बोला है सिर्फ मेरा नाम क्लियर करेगा यानी फ्रैंकलिन का। माइकल और ट्रेवर का क्या होगा गाइस मैं अभी तक कुछ पर्सनली टेंशन में, क्योंकि हमारे दोस्त हैं गाइस वो, कहीं वो ना फंस जाए गाइस। पर उसने फिर बोला, मैंने पूछा उससे कि माइकल और ट्रेवर मेरे दोस्त हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, तो उसने बोला है गाइस काम तो वो भी करेंगे मेरे लिए, जब वो भी काम पूरा कर देंगे तो उनका नाम भी हट जाएगा। वो लेकिन बोल रहे पहले तो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट कर गाइस, लेकिन मेरी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है मुझे तो। मैं तो सोच रहा हूँ गाइस, देख रहे हो डर के मेरे रॉन्ग साइड घुस गया, मैं पहले निकल लेता हूँ गाइस। गाइस मैं तो सोच रहा हूँ सबसे पहले लेस्टर के पास जाता हूँ मैं अकेले और उससे बात करता हूँ, क्योंकि माइकल ट्रेवर को कुछ भी पता नहीं है, उन्हें पता चले अब वो गुस्सा होंगे, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं। उससे पहले मैं गाइस लेस्टर के पास पहुँच जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि अब क्या करना है। चलो गाइस फटाफट चलते हैं हम लेस्टर पर। हम लेस्टर के एकदम फैक्ट्री के पास में ही है गाइस, लेस्टर वहीं मिलेगा हमें गाइस। हम चलते हैं जल्द से जल्द क्योंकि अब टेंशन हो गई गाइस, क्योंकि पता नहीं क्या काम देगा क्या नहीं, क्या करना पड़ेगा। और उसके बाद माइक्रो ड्राइवर को भी अलग से काम देगा, यानी हम सबको अलग अलग काम करना होगा गाइस उसके लिए। गाइस पता नहीं कब तक ब्लैकमेल करेगा, अगर उसने काम करवाने के बाद भी बता दिया गाइस तो वो कैसे, एक कंडीशन अगर उसने बता दिया उसके बाद भी टॉमी वर्साटी को तो हम क्या करेंगे। और गाइस हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, उसने हमें एयरपोर्ट पे इसलिए बुलवाया था क्योंकि टॉमी वर्साटी आज ही पर्सनल जेट से गया है नॉर्थ यॉर्क तक, इसीलिए क्योंकि वो कुछ पता लगाने गया जो उसकी गाड़ियों को ब्लास्ट ब्लास्ट हुए ना गाइस, जो मिलिट्री बेस में ब्लास्ट हुए सब कुछ। फिर गाइस ये बिल्ली ना हमेशा आ जाती है मेरा रास्ता काटने, पता नहीं क्यों आती है, मैं रास्ता काटना नहीं चाहता फिर से निकल जाता हूँ। तो गाइस वो पता लगाने गया कि उसके साथ ये गलत काम किसने किया, अब वो शायद तक गाइस डर भी चुका इसलिए पता लगाने गया। खैर कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम तो चलते लेस्टर के पास और देखते बाकी क्या करना है। चलो गाइस अंदर चलते फटाफट, बहुत टेंशन हो गई गाइस, पता नहीं ये कब खत्म होगा। डेविन, मार्टिन, ये इन सब के म्यूगल, ये सब कब हमारा पीछा छोड़ेंगे, खास कर टॉमी वर्साटी के आने के बाद इतनी प्रॉब्लम, ये सब कब पीछे छोड़ेंगे गाइस। चल चलता हूँ मैं और लेस्टर को सारी बात बताता हूँ। ओहो आज तो लेस्टर भी काफी कपड़े वपड़े चेंज करके, मतलब गाइस हम एकदम चेंज वेंज करके घूमते हिप हॉप बन के क्या बात, हाँ देखो हंस रहा है गाइस, हाँ बोल रहा तो लेस्टर आज तुम भी हीरो बन के घूम रखे गाइस। आप बात करते हैं, ज्यादा हंसने का टाइम नहीं है। ओके ठीक है गाइस, तो जैसे कि लेस्टर ने मुझे बता दिया, लेस्टर बोल रहा है कि माइकल और ट्रेवर को भी कॉल ऑलरेडी जा चुके हैं, माइकल को ट्रेवर को डेविन ने कहीं और बुलवाया है, 4-5 घंटे बाद उसने बोला वो कॉल करेगा, लेकिन वो बोल रहा है कि अब तुम्हें भी अलग काम दिया है और माइकल ट्रेवर को अलग। गाइस हमें पता नहीं क्या काम दिया क्या नहीं, अरे हम कुछ कर तो सकते नहीं। चलो चलते हैं निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं उसका कॉल। अरे गाइस मैं उसको कॉल आने का वेट क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद ही लगा के देखता हूँ ना डेविन को एक बार कॉल। नहीं गाइस उसको फ़ोन लगाना ठीक नहीं रहेगा, वो खुद ही कॉल करेगा, अभी मैं उसको फ़ोन लगा उसको बता क्या काम है तो वो वैसे ही चिढ़ जाएगा। चलो गाइस देखते हैं, कॉल तो खैर उसका आएगा ही क्योंकि उसको काम है तो वो कॉल करेगी, बस अब टेंशन है गाइस कि वो क्या काम देगा, क्योंकि अब उसे पता है कि हम लोगों ने वो ब्लास्ट किए मिलिट्री बेस में सब कुछ किया है। गाइस वो बहुत बुरा बदला लेगा, कुछ छोटा मोटा काम तो हमसे करवाएगा नहीं, काम तो कुछ गाइस बड़ा तगड़ा ही करवाएगा, इतने आसानी से छोड़ेगा नहीं गाइस हमको वो। क्या गाइस चलो ओके शिट गाइस मेरा फ़ोन आ रहा है। ओके गाइस डेविन का ही कॉल है, 2 मिनट में गाड़ी यहाँ नहीं, थोड़ा साइड में पार्क कर लेता हूँ गाइस, उसके बाद बात करता हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, साइड में पार्क करके बताता हूँ। ओके गाइस तो डेविन ने बता दिया कि हमें क्या करना है। ओके गाइस तो जैसा कि डेविन ने बता दिया हमें क्या करना है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस। डेविन का कहना है कि मैं बीच के पास जाऊँ और वहाँ पे जहाँ बच्चों बड़ों की जो राइड्स वगैरह लगी है मैं वहाँ जाऊँ, और वहाँ पे गाइस एक आदमी है जिसके पास काफ़ी सारे सिक्योरिटी दिखेगी, उसने बोला है और नाम पूछ रहा नहीं बता रहा है, बोल रहा वो आदमी के पास काफ़ी सारे सिक्योरिटी तुमको दिखेगी आए वालों की गाइस, और मुझे उसे मारना। अब गाइस उनको जाके वहाँ पे मारना बगैर ये पता रहे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, पर उसने बोल दिया मारना है गाइस, मारना तो पड़ेगा क्योंकि अगर हम उसकी बात नहीं सुनेंगे ना गाइस तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। चलो गाइस अब जब जाना ही है मारना ही है मार ही देते हैं गाइस। चलो
लेकिन गाइस ये ना ब्लैकमेलिंग मुझे लग रहा है इतने जल्दी बंद नहीं होगी। अब ये हमें आए दिन ब्लैकमेल करेगा, अब बोलेगा मेरे लिए ये काम करो, मेरे लिए वो काम करो। गाइस लेकिन हम भी फंसे हुए हैं, करना तो पड़ेगा ही। चलो गाइस ठीक यार, टाइम वेस्ट ना करते जल्दी से जल्दी पहुँचते हम गाइस अपने वहाँ पे। डर लग रहा है अंदर जाने में, जाना तो पड़ेगा ही। चल क्यों यार आ रहे हम गाइस। वो बोल रहे कि जब तुम मिलिट्री बेस में घुस के इतना सब कुछ कर सकते हो तो यहाँ पे क्यों नहीं। गाइस वहाँ पे हमने मास्क पहने थे, वेस्ट थे, बुलेट प्रूफ सब कुछ था। यहाँ पे तो हमारे पास मास्क है ना कुछ है, खुले में मारना है। वो बोल रहे तुम्हें मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि टॉमी वर्सेटी को अगर पता भी चला तो वो उसमें बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि उसका कोई लेने देना नहीं है। इसलिए गाइस मैं भी हिम्मत करके बगैर मास्क वास्क से यहाँ पे आ चुका हूँ। चलो गाइस चलते हैं, पहुँचता हूँ मैं, उतरता हूँ, देखता हूँ कौन है वो आदमी झूले के पास जिसके पास इतनी सिक्योरिटी है जिसको हमें मारना है। चलो गाइस तो चलते हैं, हम देखते हैं कहाँ पे हमें इतनी तगड़ी सिक्योरिटी दिख रही है, कहाँ पे हमें जाना है। पता नहीं डेविन ने बोला था जब तुम आसपास पहुंचोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। गाइस पर ये इतना पब्लिक प्लेस है गाइस, इतना नॉर्मल इंसान पब्लिक भी है यहाँ पे गोलीबारी करूंगा गाइस। पूरा न्यूज ये देखो ये भाई क्या बढ़िया कॉफी वॉफी पी रहा है अपनी। ठीक है भाई पी ले यार कॉफी वॉफी, काफी तगड़ी बॉडी भाई तेरे को सिक्योरिटी वाले दिखाई क्या। सॉरी 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 मेरे भाई गलती हो गई, धोखे में टकरा गया भाई। मैं से पूछ रहा था कि तूने किसी के सिक्योरिटी गार्ड वाले को देखा क्या। ये देख रहे हो गाइस का टेंशन में चल रहा है हीरो बन के गाइस, ये भी इनके भी अलग ही फंडे। चलो गाइस मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी जल्दी जाता सिक्योरिटी गार्ड वाले। ओ शिट गाइस मुझे वहां पे ना रूफ पे कोई दिख रहे हैं गाइस, मैं थोड़ा पास जाऊं या ना जाऊं एक बार गाइस पास चल के चेक तो करता हूं वहां पे शायद तक, क्योंकि डेविन ने बोला था कि अगर वो कुछ भी सस्पिशियस लगा मेरे में तो वो तुरंत शूट करना चालू कर देंगे। गाइस ऊपर मुझे कुछ तो लोग दिख रहे हैं। अरे यार छोड़ना गाइस, मैडम से पूछता हूँ, मैडम आपको पता है कि यहाँ पे कोई है क्या सिक्योरिटी। ये तो टकरा टकरी बता देगा भाई साहब, यहाँ कोई हैवी आदमी एकदम सिक्योरिटी गार्ड वर्ड रखे जो खड़ा हो। अच्छा अच्छा वो सामने ही है गाइस, मुझे तो रूफ टॉप में एक बंदा दिख रहा है ऊपर। हाँ गाइस ऊपर इतने कभी कोई खड़ा नहीं रहता है गाइस, यहाँ पे लोग खड़े हैं कुछ तो लोचा है गाइस। चलो चल के देखते हो गाइस यहीं कहीं होगा वो आदमी जिसको मुझे मारना होना तो चाहिए यहीं कहीं। चलो गाइस चलते तो पर गाइस सिक्योरिटी तो काफी खड़ी है, मुझे नहीं लग रहा है मुझे एंटर करने देंगे गाइस। ओ शिट गाइस, मैं गाइस पहले कुछ तरकीब लगाता हूँ कि मुझे जाने दे उसके बाद घुसता हूँ गाइस, जब तक मैं यहाँ छुप जाता हूँ गाइस नहीं तो मैं ही फंस जाऊंगा। चलो गाइस पहले मैं एक को मार के देखता हूँ गाइस क्या होता है, तो बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले मैं एक को मार देता हूँ गाइस। शिट गाइस ये तो बहुत बुरा लूट हो गया गाइस, काफी सारे हैं तो मैं फंस गया हूँ गाइस बीच में, क्या करूँ मारना तो पड़ेगा ही गाइस। एक एक करके मारना चालू करता हूँ, तो दिखाता हूँ एक गया दो गाइस, इधर कवर से तीसरा नहीं दिख रहा मेरे को, ये दिख रहा है तीन, उसको भी दिखाओ, सबको दिखाना पड़ेगा गाइस। काफी तगड़ी सिक्योरिटी गाइस जिसकी भी है वही बोला था उसने गाइस सेवन में कि बिल्कुल बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, तुम इतनी आसानी से घुस के नहीं मार पाओगे गाइस। सच में मेरा समझ में आ गया इतना आसान नहीं था गाइस, और कहाँ से गोली कर रहे हैं मुझे तो गाइस दिख भी नहीं रहा है हम तो कहाँ से मार रहे हैं गाइस। ये आया गाइस एक खुद तो नजर में आया इसको मारो गाइस, पहले गाइस सामने की तरफ भी दो हैं। शिट 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 बच्चे 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 ये गया गाइस, ये भी गया गाइस, ये भी गया, मुझे तो झुकना पड़ेगा गाइस। एक ऊपर भी छुपके बैठा है गाइस, फिट 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 भागो 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 गाइस। मैं छुप जाता हूँ गाइस, एक नहीं मेरे को छुपना पड़ेगा गाइस क्योंकि एक जो ऊपर है ना गाइस स्नाइपर वो इतने आसानी से नहीं मरने वाला है उसको ना गाइस, मेरे को स्नाइपर से मारना पड़ेगा। ये गाइस ये पिछ गया ये भी। चलो गाइस काफ़ी सारे और हैं नीचे, हम बगैर टाइम वेस्ट करे घुस जाते हैं गाइस। ये दूर से दिख रहा था गाइस गया, ये भी गया, और कहाँ से आ रहे हैं गाइस मेरे को दिख भी नहीं रहे हैं गाइस, गोली पड़ कहाँ से रही है देखा दिखे तो समझ। ये दिखा गाइस ऊपर 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 गया डाउन गाइस, ये ऊपर 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 गाइस, किसी भी बस दो दोनों को गोली ने लग जाए गाइस। और कहा ये रहा ये रहा ये रहा गाइस, और भी है कहीं और भी है, ये रहे गाइस दो एक ये गया। उस शिट गाइस वो भी रिलोड करो, मैं भी रिलोड करो, पहले मेरी हो जाए पूरी गाइस। शिट गाइस काफ़ी यहाँ पे खूनाबारी होगी गाइस, बहुत बुरी हालत होगी गाइस यहाँ पे। शिट गाइस लाशें देख रहे हो गाइस, लाशें के तो ढेर लग गए गाइस यहाँ पे, ढेर पे ढेर इतनी लाशें पड़ी गाइस शिट। चलो गाइस सिक्योरिटी तो गई पर गाइस इनको मारना किसको था यहाँ पे गाइस,
प्रवीण ने बोला था कि तुम समझ जाओगे, वो खुद ही सरेंडर कर देगा। गाइस ये रहा, ये सिंगल आदमी गाइस जो सरेंडर किया बैठा है। अब शिट गाइस, इसको मारना पड़ेगा। इसने कुछ किया भी नहीं, बेचारा सरेंडर करके है, पर अब हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। इसको मारना तो होगा ही, क्या करे गाइस, मारना तो पड़ेगा ही मारना। मैं भी नहीं चाहता, पर अगर हम डेविन का काम नहीं करेंगे गाइस तो वो हमको फंसा देगा। सॉरी यार। चलो गाइस जल्दी यहाँ से निकले। डेविन ने कहा था कि वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए पुलिस वालों को रोक के रखेगा एफआईबी वालों से बोल के। मैंने गाइस डेविन के भी कॉन्टेक्ट हैं एफआईबी वालों से, अभी तो वो उनसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। गाइस हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर पुलिस वाले आए तो हमारे साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी गाइस। चलो भाग के जल्दी यहाँ से निकलते गाइस, कोई ना कोई कार बाइक तो हमें पास में मिल ही जाएगी, गाड़ी तो मिल ही जाएगी गाइस। वो रही गाइस, फाइनली हमें गाड़ी मिल गई। हम जल्दी से गाड़ी लेते हैं गाइस और अपने घर निकलते हैं, क्योंकि पता नहीं अब वो माइकोलो ड्राइवर से क्या काम करवाएगा गाइस, ये तो वही जाने। पर फिलहाल हम तो गाइस यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो गई है। हट जाओ अब कोई मत रोको, हमें अपने घर जाना है, हमें जल्द से जल्द पहुँचना गाइस अपने घर। काफ़ी स्पीड वाली कार मिली गाइस हमको, चलो निकल जाते गाइस फटाफट यहाँ से, कोई लोचा इससे पहले। चलो गाइस हम अपने घर के काफ़ी पास पहुँच गए, अब हम चुपचाप निकल जाते गाइस और अपने घर पहुँच जाते हैं। नहीं तो गाइस हमारे साथ दिक्कत तो बहुत बड़ी होगी गाइस। आज हमने कुछ सादे ही कांड कर दिए हैं, तो क्या करते गाइस, डेविन ने फंसा के रखा था, ये ले मेरे पड़ोसी, आज तो काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स कार देखो मिल रही है, एक्सपेंसिव रख ले। पर गाइस क्या कर सकते, डेविन ने फंसा ही इतना बुरा था गाइस, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। चलो गाइस हम तो अपने घर निकलते हैं, अब जो भी गाइस वो तो माइकल और ड्राइवर को वो उनका काम देगा, हम तो सेफ है गाइस। चलो हम तो निकल जाते हैं, हम चुपचाप यहीं जाते हैं, अब देखते गाइस माइकल और ड्राइवर को क्या काम देता है। चलो गाइस तब देखते माइकल के साथ क्या होता है और ड्राइवर के साथ भी। माइकल और ड्राइवर इन दोनों के काम बचे, हमारा काम तो हो गया गाइस। चलो माइकल तो बड़े प्यार से घूम रहे हैं अपनी कार में, बढ़िया लाइफ है गाइस इनकी भी, बढ़िया कार में घूमो फिरो मस्ती करो। और शिट गाइस इसको भी फोन आ गया माइकल को, हमको एक और कॉल आ रही है। ओके गाइस ये कॉल है गाइस डेविन की। अब डेविन बोल रहा है कि उसके साथ डेव नॉर्टन भी है, यानी जो कि माइकल का फ्रेंड है, वो बोल रहा है वो भी उसी के साथ है और तुम आके मिलो। और वो बोल रहा है ट्रेवर को भी उन्होंने फोन करके बुलाया है, और गाइस एक्चुअली ट्रेवर और डेविन की कभी कोई पर्सनल मीटिंग नहीं हुई है, सिर्फ एक ही बार मिली थी जब हमको रिवील हुआ था हमारा मेन बॉस कौन है, जो कि टॉमी वर्साटी है। तब ट्रेवर ने वहाँ पर डेविन को देखा था, पता नहीं गाइस वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके और डेविन की झमती नहीं, और जानते हो गाइस ट्रेवर कैसा है। फिर भी गाइस चलो अब उसने हमें बुलाया तो हम चलते तो है वहाँ पे गाइस वेयर हाउस में। वो बोल रहा है कि एफआईबी वाले डेव से बात हुई, वो बोल रहा है कि डेविन का टेंशन मत लो, डेविन भी खुद भी परेशान है टॉमी वर्साटी से, इसलिए वो हेल्प कर रहा है। और वो फ्रॉम द स्टार्टिंग डेविन को पता था कि एफआईबी वाले की हेल्प हमने करी है और इतने सब नुकसान हम नहीं करे, पर फिर भी गाइस वो भी साथ देने तैयार है, क्योंकि वो भी काफी बड़ा यहाँ पे रिच आदमी हुआ करता था, बॉस हुआ करता था, लेकिन टॉमी वर्साटी के आने के पहले, टॉमी वर्साटी के आने के बाद वो भी एक सिर्फ उसके हाथ का ज्यादा ही बन गया है गाइस, कुछ कर नहीं पा रहा है, वो भी जैसे वो ऑर्डर्स देता है वैसे ही करता है। तो चलो गाइस ये चीज का फायदा हमको भी है कि अब उसकी टीम के अंदर को कोई गाइस हमारे साथ है, और डेविन काफी रिच है गाइस, बहुत पैसा है, तो हमें बहुत हेल्प भी हो सकती है उससे। चलो गाइस तो फटाफट पहुंचते हैं अपन अब वहां पे। चलो गाइस तो फटाफट पहुंचते हैं हम, गाइस वैसे तो हम काफी पास में ही हैं, तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। चलते हैं गाइस, काफी अच्छा होगा डेविन भी हमारे साथ है, पर गाइस काफी बुरा भी, क्योंकि हमारा दुश्मन रहा है स्टार्टिंग से, पर अभी गाइस वो बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, बस वही वाली कहानी गाइस। फाइनली गाइस हम पहुंच ही गए वहां पे, देखते गाइस यहाँ पे क्या है, ट्रेवर भी अब तक पहुंच चुका होगा गाइस। मुझे काफी टेंशन यही है, क्योंकि ट्रेवर भी आ रहा है गाइस, और ट्रेवर थोड़ा सा आप जानते हो कि कैसा है गाइस। फिर भी कोई नहीं गाइस, चलो हम पहुंच तो चुके हैं, देखते हैं हमें आगे करना क्या है। शिट गाइस देख रहे हो ट्रेवर पॉटी कर रहा है, ये कुछ जगह पॉटी करने के गाइस, ट्रेवर इसलिए डांट खाता है मालूम इतनी ज्यादा। वो देखो गाइस आर यू टेकिंग अ डंप, व्हाट आर यू चिल्ला रहा गाइस, द फक इज रॉन्ग, गलत सही है गाइस, डांटो उसको से चिल्ला। आई सी अ श्रिंक वंस अ वीक, यू नो फक यू गाइस, टेंशन तो मुझे है डेविन से मिलेगा, डेविन एफआईबी एक है फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अ क्वाइट बिल्डिंग, ठीक है हमारी हेल्प करेंगे, पर थोड़ी तो टेंशन है मेरे ख्याल से गाइस। देखो गाइस शिट गाइस स्टीवेंस भी आएंगे, गॉड यू आर एन एसहोल शिट गाइस, यू यू बैक देयर I know you, but हाँ you. इसको तो जानता है, इसको नहीं जानता है, वो डेव को जानता है। Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? सिर्फ फलवेस तो देखा था एक बार टॉमी के साथ। Pleasure, bro. Oh. Guys, ये लोग किसी को मार रहे थे शायद, तो guys,
वो कर रहे हो वो देखते गए चाहे तो क्या टेंशन दे रहा है यू सी एडवर्टाइजिंग पिल्स फॉर मिडिल एज मेन आई कांट गेट अरेस्टेड बोल रहा है गाइस उसके वो भी हंस रहा है is a very good friend of mine so why don't you guys Steve Hines ka phailaya tha but Dave tumhara dost hai more Dale than ye Steve Hines ka phailaya raha tha sab guys the fucking fir koi nahi madad to karni padega ab jo bhi ho gaya case where did we meet nowhere pal yeah we did ha ye bhi Dave to darta hai guys Trevor se what are we doing here huh शिट गाइस ये तो वही है हो सकते हैं जिससे हम शिट 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 एफआईबी के लिए गाइस जिसको हम किडनैप करके लाए थे ताकि ये आइए क्योंकि प्रॉब्लम ना हो माइकल ओके हां दिस दिस इज ट्रेवर नो नाउ आवर फ्रेंड गाइस ही क्लेम्स ही डजंट नो आई डोंट नो एनीथिंग ओके गाइस तो आई ऑलरेडी टोल्ड नथिंग केविन किसी को मरवाना चाहता है और एफआईबी भी ताकि टॉमी को कुछ इनके बारे में पता ना चले उसकी जड़ इसके पास है ये जानता है गाइस पर ये बता नहीं रहा ऑडियो विजुअल हाई फाई ऑडियो विजुअल गाइस ये बता नहीं रहा तो मेरे ख्याल से इसको टॉर्चर से करके इससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि वो आदमी कहां है जिससे टॉमी वर्सेटी पकड़ सकता है कि एफआईबी केविन और ट्रेवर माइकल फ्रैंकलिन मिले हुए हैं तो इसलिए गाइस हमें मार नहीं होगा आदमी जिसके बारे में बता रहे हैं ओके गाइस चलो आई टोल्ड देम व्हाट आई टेल यू हां बोल रहा है गाइस डेविन को भी इसने बता चुका वही पर तुमको जो बता रहा हूं शिट गाइस क्या कर रहे हैं ऑपरेशन कर रहे हैं क्या यहां पे The man who owns it, he works at the consulate. बताना चालू क्या, guys? That's all I know. That's it. That's it. That's it. Guys, मुझे नहीं लग रहा इसकी बात करने का. I'm gonna make him speak. No. Guys, Trevor. Rockford Hills. Trevor कोई काम दे रही थी उसको बोलने को मजबूर करो. Trevor मार देगा, guys. I'm tired of these fucking nitwits. इस पागल को दे रही है काम. Guys, Steven speak पागल है. What is all this, huh? Okay, guys. I think it's a good time, buddy. You know. Shit, guys, ये चालू हो गया. पेंचेस उठा लेगा ऐसे पता नहीं पागल क्या करेगा I'm not here. तो गाइस शिट गाइस ने बोल दिया जो करना करो ये सोच के मैं आया नहीं तो गाइस रॉकफोर्ड हिल्स यानी ये जो है गाइस पूरी कहानी जुड़ी मैं आपको बता रहा हूं एक्चुअली कहां से केविन भी अलग होना चाहता टॉमी वर्सेटी से लेकिन गाइस केविन में इतनी हिम्मत नहीं केविन अकेले अलग हो जाए तो उसे पता चला कि एफआईबी हमारे साथ है वो एफआईबी का दोस्त केविन पहले से ही था तो उसने गाइस मिलकर प्लान बनाया है कि मेरे ख्याल से जो आदमी है ना उसके पास काफी इंफॉर्मेशन है हम सब लोगों के लिए अगर गाइस वो जिंदा रहा और टॉमी तक के पहुंच गया तो हम सबकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी तो गाइस हम सबको अगर जिंदा रहना है गाइस ये जिस आदमी की इंफॉर्मेशन निकाल रहे गाइस उसको तो मरना ही होगा गाइस गाइस ये हम कहां आ गए गाइस ये तो घूम फिर के पूरा शहर घूम के गाइस हम अपने ही घर के पास आ गए माइकल के घर के पास फिर कुछ कर नहीं सकते अगर यहीं चलने बोला गया गाइस तो हमें जाना तो पड़ेगा ही ये कौन सा घर है यार गाइस क्या चल रहा है शूटिंग दिस प्लेस डेवी ओके दे मिस शूटिंग द रियल कंस ऑफ सबर्बिया ये गलत इंफॉर्मेशन दिया उसने हम गलत जगह पहुंचेंगे यू आर किडिंग मी यहां तो शूटिंग चल रही है यहां कौन सा आदमी हम मिलेगा जिसको मारेंगे गाइस शिट गाइस डेव ने फोन लगाया पता नहीं किसको फोन कर रहा है रॉन्ग हाउस रॉन्ग हाउस गाय इज एन आवर गाय ओके गाइस यू श्योर यू डोंट सेंस उसने बता दिया रॉन्ग हाउस है हमारा आदमी नहीं है साइलेंसिंग समवन अब गाइस वो लोग फिर से पूछेंगे कि सही जगह कहां है गेट मी अनदर एड्रेस ओके गाइस वो बोल रहा है गेट मी अनदर एड्रेस एंड अब दूसरा एड्रेस पूछेंगे वो शिट गाइस टू फाइंड द टारगेट टॉर्चर मिस्टर के वी नीड अ न्यू एड्रेस फ्रॉम मिस्टर टॉर्चर किंग को लाइन लोग ने ट्रेवर को टॉर्चर करने वो तो मुंह से हम सबको टॉर्चर कर देता है उसको तो वेपन्स मिल रहे गाइस ओके गाइस Who do you want? Just tell me what you want. Huh? Okay guys, huh? चलो. Please. Look at me, please. Okay guys, तो हमको वेपन सेलेक्ट करने हम पहले क्या यूज करें? गाइस मेरे ख्याल से पहले तो हम थोड़ा इजी जाते हैं इस पे ये उठाते हुए. थोड़ा इजी जाते हैं. एकदम ज्यादा भी नहीं बता देगा एक हाथ फटकों में ये. तरपोक लग रहा था जब हमने इसको बचा के लाए थे आईआईटी बिल्डिंग से गाइस तब ही. चलो. शिट गाइस, ट्रेवर 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 मत कर यार. Mr. Phillips. Guys, iski halat kharab hai. Javon. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did. I know Tahir. Jante to pata na kaun hai. Too much. Okay. Into the Western Highway. Oh, that wasn't so Okay guys, Western Highway. Pehle bata deta bewakoof itni maar nahi padti. Ab driver ke samne jo ki ye sas sas bag chhodega nahi wo. Driver hai driver. Okay guys, to yahan pe to kaafi coffee off ho gayi itni der mein look ye. You're driving. नया एड्रेस एंड ड्राइवर ही है ये ड्राइविंग गाइस कॉफी ब्रेक्स गली के कुत्ते हो गए हैं ये टॉमी वर्सेटी के कारण इधर से उधर घूम रहे हैं कभी एफआईबी का काम कर रहे हैं
अब तो डेविन के लिए भी कर रहे हैं। बस गई मजा तब आता है जब टॉमी मर्सेट वगैरह कंसाइनमेंट जो अपन ने लास्ट एपिसोड्स वगैरह में डिस्ट्रॉय किए ना गाइस, उसमें सेटिस्फेक्शन है क्या कार गाड़ी गाइस, रोल्स रॉयस है। रिस्पेक्ट नहीं होना भी कार सर्स देख के काम में लगते वापस यहाँ पर चलेगा शूट गाइस। इसलिए मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था नो मोर कार एक्सीडेंट गाइस, ये चमका रहा है यार, अब हो गया एक्सीडेंट हो गया, तू तो इतना रईस आदमी बन जाएगी तेरी कार। ओके गाइस तो फाइनली हम कहाँ आ चुके हैं, इट गाइस ये कहाँ गए, दिस विल डू, ये कहाँ का एड्रेस है गाइस, फाइंड आउट हु वी आर लुकिंग फॉर, ये कहाँ फंस गया, या वी नीड किसको ढूंढ रहे हैं ऑफ द टारगेट, या हां गाइस डिस्क्रिप्शन तो चाहिए टारगेट का, लिसन हिम अप, ओह नो नो प्लीज आई टेल यू लिसन हिम अप, ये तो मुझे अभी लग रहा है आदम मर चुका है, अब ट्रेवर जल रहा है पता चलो गाइस, अब क्या उठाया जाए गाइस, फिर से ऑप्शंस है हमारे पास, अब ये ये फिर गाइस समझ में आ रहा है, यही देखते हैं इससे क्या करेगा गाइस ट्रेवर, ट्रेवर के स्किल्स तो सब जानते हैं ट्रेवर, यानी बहुत टॉर्चर करने में तो उससे कोई नहीं गाइस, देखते हैं मत वो बता दे उससे पहले लोगों को, अबे ट्रेवर है तेरे पास बता दे उसको, क्या भाई बोल रहा हूँ पता अभी भी बोल दे भाई बता मत कर ये सब, अरे शिट गाइस ये क्या कर रहा है गाइस, इसके मुंह पे कपड़े डाल दिए इसने, मत कर ड्राइवर इसकी हालत नहीं लग रही, अरे किया इसकी हालत नहीं लग रही ड्राइवर, छोड़ गाइस ड्राइवर को नहीं मानने वाला है, बता दे मेरे भाई भाई प्लीज बता, नहीं बोल रहा गाइस ड्राइवर नहीं छोड़ेगा गाइस, भाई ओके गाइस अब तो उठा ले बच्चे को, हैं कुछ बोला गाइस बता, इट्स अ नाइटमेयर कसलता ड्रीम तो बोलता नहीं नाइटमेयर ड्राइवर नाइटमेयर ही जल्दी बता फिर भाई बता इसको, हां नाउ यू रेडी टू टॉक, बोल रेडी टू टॉक सिंस द डे आई गॉट किडनैप्ड 6 वीक्स अगो, तो 6 वीक्स अगो से बताने तैयार है, या दिस गाय वी आर आफ्टर व्हाट इज ही लुक लाइक बता दे, कम ऑन एवरेज हाइट मिडिल एज, या इट साउंड्स लाइक यू आर स्टॉलिंग दिस बेटर बी एनफ, middle age, middle height, middle build, whatever, he's dark, okay, he's Azerbaijani for God's sake, look around, that enough for you? Shit guys, मतलब इतना सा बताने में हो जाता है क्या काम? I see a couple guys that are way too old, they're too fat to be doing a political assassination. We're lying. See anyone out there who might be an Azerbaijani? But all I know, you might be an Azerbaijani for all I know. Yeah, shit guys, it's very Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You got to follow the Shah and the class. Hey guys, sahi bol raha hai. Michael, aise to har koi Eastern hi dikhta hai yaar guys. To blend in. Sahi bol raha hai yaar. Call Dave. Aise nahi kisi ko bula sakte guys. Agar pata chale, use pehle dhang se itne sare yahan Eastern type dikhe, kisi ko bhi tok de kya. Hey guys, ye mujhe bahut dar lagta hai jab bhi driver swipe hota hai. Ain't gonna cut my friend. Shit, I let me think. I Mr. K bol. Trevor, show our contestant what's going on. Aur guys, ye phir torture karna bol raha hai. अरे जल्दी बक दे मेरे भाई, अब नहीं तो टाइम का पागल हो जा रहा है, भाई प्लीज बोल दे, भाई प्लीज बोल दे, ये जल्लाद के सामने मर, अरे भाई गाइस इसको बता देना चाहिए अभी तक के तो, ओके गाइस तेज को दांत उखाड़ रहा है गाइस, शिट गाइस ये दांत उखाड़ के उखाड़ रहा है उसको, उखाड़ डालेगा गाइस, बता दे मेरे भाई, बोल दे अब दर्द हो गई बता गाइस, ये मान क्यों नहीं रहते देर में तो बता देना चाहिए, ड्राइवर नहीं छोड़ेगा गाइस प्लीज बता दे मेरे भाई, बोल बोल बोल, ट्राई टू शेक अप योर मेमोरी अगेन, नो ओके गाइस, हम इसकी दाढ़ी, अबे दाढ़ी तो माइकल ड्राइवर की भी को गोली मारते हैं, ये because that's all Mr. K's given us. No. Okay guys. And I'm thinking maybe we I'll just take two bullets and put them in our informant please, no. and just call okay. an airstrike. Kisi daadi wale ko marna hai guys humko. Get out the scope. Okay to daadi wale ko marna hai. Steve saying beard. What do you got? Ye bhi daadi wala guys. Thick or is some stubble gonna cut it. Ye bhi daadi wala ulaadi to guys. Ye bhi daadi wala hai. Ye chikna hai guys. Isko nahi marte apan chikna hai. At this party. Idhar bhi daadi wala nahi hai. Ye bhi hai. Char dikhte hain guys abhi tak ki mujhe daadi wale. Beards are in fashion in Chumash. Land of beaches. Guys, fast daadi wale pakka mujhe confirm dikh chuke hain guys. Is aise to nahi maar paunga guys kisi ko goli mein. Okay, so you give us some intel on our target.
इससे देखो भी मुझे लग रहा है गाइस मजा आ रहा है ट्रेवर से टॉर्चर होने में इतना सहन कर रहा है बोल ना ट्रेव मेबी वन मोर टाइम जस्ट टू बी वन मोर टाइम बोलना इतना डर नहीं लग रहा है क्या गया बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल 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 अभी मर जाएगा अभी वो मीटर देख पाओ मर जाएगा गया अभी जिंदा बचा कि नहीं मिस्टर के गुड गाइस प्लीज गाइस हालत खराब होगी फिर भी बोले तो बोल दे भाई चेन स्मोक्स ओके व्हाट्स दैट ओके गाइस चेन स्मोक्स ओके लेफ्ट हैंडेड ओके गाइस वो चेन स्मोकर है प्लस लेफ्ट हैंडेड यानी बियर्ड दिस बियर्ड गाइस एट द पार्टी स्मोक सिगरेट्स मिस्टर लुक सेज ही स्मोक्स लाइक अ लेफ्ट हैंड से स्मोक करता ओके गाइस थैंक यू मिस्टर के सो गाइस अब तो डर के मारे वो सिगरेट का ब्रांड भी बता रहा है गाइस इट एंट द सिगरेट्स दैट विल किल हिम इट्स द गाइस हु पुट द वार्निंग्स ऑन द पैकेट्स यू शुड वरी अबाउट एंड ही इज लेफ्ट हैंडेड ओह ओके गाइस ये दिख रहा है क्या यू आर टेलिंग मी टू असैसिनेट अ गाय बिकॉज़ ही हैज गॉट फेशियल हेयर अ सिगरेट and he's left-handed you guys ye kya tukwa marne ka assassinate a guy because he's a threat to national security okay guys ye kya details ye bhi guys nahi ban raha wo bol raha hai ki humko marna to padega to tommy versatile ye hai guys ye raha ye nahi guys ye right-handed hai shit guys ye raha ye left-handed I see someone he fits the profile yep fits it all the way I got a good feeling as good as you can get while clipping a guy bolo bhai aise nahi pehle bol bhai faruk ki nahi okay guys now I'm taking a shot gaya guys I got someone definitely a lefty ab gaya guys redwood smoking bearded guys humne perfect mare aadmi ko kuch gadbad to nahi used to be azerbaijani ha used to be wo to mar chuka to ya nahi hai it's done it's done that is a wrap finally guys mr k bacha bhai jaan chuti now I got a wrap ball game too so trevor jai karo mr k I think we're all set अब नहीं तो तुम्हारे हेल्प करा देंगे। I would say he's outlived his usefulness. क्या करें अब हम? Shut up. मार डालेगा क्या? That's a sport. Shit guys. अभी क्या कर रहा है ट्रेवर मार तो नहीं देगा। भाई साहब तरस आ रहा मेरे को। Last time ट्रेवर तूने भी तरस खाया था यार जब उठा के लाया तो छोड़ दे यार इसको। Last time याद है गाइस इसको आईए की बिल्डिंग से अपन लेके आए थे किडनैप करके बचा के। Fucking questions. Let's go. Get up. उधर ट्रेवर यार जाने दे मत मार वार मत यार। गाइस बेचारे लंगड़ा के चल रहे है ड्राइवर मत कर यार छोड़ दे बेचारे को कहीं जिंदा छोड़ कहां ले जा रहा ड्राइवर गाइस ले जाके कहीं मारवर तो नहीं देगा शिट गाइस बेचारे की हालत खराब है गाइस आपने वो एपिसोड अगर नहीं देखा है आइए कि बिल्डिंग से जमने से किडनैप करके लाए तो चौपर अगर से आसान झगड़ा करके तो जरूर देखे गाइस जाकर उस वीडियो को और गाइस अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सके उसको शेयर करिए काफी मेहनत लगती है गाइस स्टोरी रेडी करने में आपके लिए कहाँ से बेचारा बोल नहीं पा रहा ड्राइवर से बात करे पड़ा गाइस चलो गाइस जाने अब हमारे एक और कांटा तो हट गया रास्ते का वो आदमी मुझे गाइस अच्छा भी नहीं लग रहा था और वो हमारे बारे में उसे पता था मरीज है तो ठीक है तो गाइस वो अपने फैमिली के बारे में बता रहा हूँ इसलिए I'm taking you guys, to the airport. You're going to get out of here. You're going to get out of here. You're going to get out of this country and you're going to spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Guys, you're a torture advocate. The government would have us believe that torture is some necessary thing. We need to get information to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Tortures for the torturer or the guy giving the order to torture. You torture. मैंने इन दोनों की बातें सुन रहे हैं गाइस और मैं मानता हूं कि अच्छा काम किया था गाइस ऐसा भी नहीं तो बेचारे को अपने घर जाना है और ये बोल रहा है कि तू घर नहीं ये कंट्री छोड़ कहीं जा इंडिया जा कहीं भी जा छुप वहां पे जाके अफ्रीका जा लेकिन यहां नहीं रहेगा गाइस ये बड़ी गड़बड़ बात है गाइस छत्र गाइस बहुत परेशान टैक्सी वाले मारेगा क्या भी ड्राइवर तेरे को भी मारेगा बहुत पागल है ड्राइवर ड्राइवर कहते मत कर चुप चुप गाइस चलो लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पे आ गए क्या भाई गाइस ड्राइवर पैसे से देगा कि नहीं उसको टिकट टिकट के कैसे जाएगा ऐसे भी मैं बाइक में उसको ले जा लेंगे हालत देखो उसकी रन यू आर फ्री बट माय फैमिली इज हियर
Your family is probably the ones who put you fucking in here, all right? Now look, trust no one. Trevor नहीं मान रहा, guys. You're alone now. You're alone now? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Guys, ये तो Trevor बहुत गड़बड़ काम कर रहा है यार. बेचारे के हृदय को गाइस हालत कहाँ कहाँ करंट लगाया क्या क्या किया है गाइस. शिट गाइस मिस्टर के तुम जाओ अब. जाने में फायदा तो तुम बचे हो अपने का. चलो गाइस अब मिस्टर के तो गए पता नहीं कहाँ जाएंगे. गाइस हम तो जहाँ भी जाते हैं आसपास पुलिस की कार ही क्यों आ जाती है पता नहीं गाइस. चलो गाइस अब चलते हैं हम भी देखते हैं फ्रैंकलिन और माइकल से मिल के या लेस्टर से मिल के कि अब आगे क्या करना है. अब तो डेविल भी हमारे साथ है. अब आगे की स्टोरी कुछ और ही होगी गाइस. चलो तो हम निकलते तो हैं यहाँ से क्योंकि यहाँ रहने से अब ज़्यादा मतलब नहीं है. मिस्टर के गए दौड़ बोल के पुलिस उलिस के पास चले गए गाइस. तो अभी काफ़ी बड़ा लोचा हो जाएगा. फिर गाइस फिर फ़ोन आ रहा है. ओके गाइस तो ये रॉन का फ़ोन था. रॉन इसे बिल्कुल अपने गांव बुला रहा है जल्द से जल्द शैंडी शोर क्योंकि वो बोल रहा है कि जब से तुम शहर आए गाँव में बहुत सारी गड़बड़े चल रही हैं. अब पता नहीं गाइस क्या गड़बड़े चल रही है. अब अभी तो ये समझ नहीं आ रहा है गाइस हम अपने यहाँ के लोचे ख़त्म करें कि जो पर्सनल बिजनेस है गांव में उसके लोचे क्लियर करें. पता नहीं गाइस हर कोई ऐसी फंसा हुआ है. माइकल भी अपने कामों में ध्यान नहीं दे पा रहा है इस चक्कर में. ना फ्रैंकलिन ना ही ट्रेवर बस फंसे हुए हैं गाइस. चलो गाइस लेकिन अब रॉन ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा हमको गाँव. देखते गाइस सफ़र काफ़ी लंबा है पर हम जल्द से जल्द उसको क्लियर करते गाइस. चलो गाइस तो हम काफ़ी पास आ गए अपने एरिए के. देखते गाइस हम अपने गाँव तो आ चुके हैं. रॉन क्या बोलना चाहता है हमसे गाइस पता नहीं. बोल तो रहा है काफ़ी बड़ी दिक्कतें हो गई. शिट अब ये देखो साइकिल वालों को भी चैन नहीं पड़ रही गाइस. क्या रॉन ने बुलाया गाइस तो कुछ तो वहाँ पे लफड़ा ही होगा. रॉन ने तभी बुलाया. रॉन ऐसे ही नहीं बुलाता. कहाँ है गाइस ये रहा गाइस. चलो चलते गाइस हम देखते हैं. रॉन भी आ चुका होगा. एक कार खड़ी गाइस बड़ी अच्छी रेसिंग के लिए. खैर अभी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते रेस नहीं करना है. हमें भी रॉन से मिलना है. चलो गाइस रॉन से मिलते हैं. पता नहीं क्या हो गया गाँव में हमारे यहाँ नहीं रहते. मैं टेंशन में तो लग रहा है गाइस वो मुझे थोड़ा. देखते गाइस चलो जो भी होगा देखा तो जाएगा. रेस तो गाइस बार बार वहाँ जाकर ऐसा लग रहा है रेस कर लूँ पर नहीं गाइस अभी अपने बिजनेस पे कोई बात आई है. रॉन बताओ गाइस. जैसे कि रॉन बता रहा है यहाँ पे हमारे एक पुराने दुश्मन है ओनिल ब्रदर्स. वो हमारे सारे बिजनेस पे टेक ओवर कर रहे हैं और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो जाके टॉमी वर्सेटी से हाथ मिलाएंगे गाइस. टॉमी वर्सेटी से गाइस अगर उन लोग ने हाथ मिला लिया तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएगी गाइस. ऐसा हम उन्हें नहीं दे सकते. चलो गाइस उन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा. शिट गाइस ट्रेवर का दिमाग बहुत खराब हो चुका है. हमें जल्द से जल्द जाना ही होगा गाइस. तो गाड़ी तो मिले गाइस. हमारी गाड़ी कहाँ चली गई अभी तो यहीं खड़ी थी गाइस. चलो गाइस खैर कोई ना कोई गाड़ी तो मिली जाएगी हमको. हमारी गाड़ी पता नहीं कहाँ गायब हो गई गाइस. शिट गाइस कोई तो गाड़ी मिले. ये रही गाड़ी गाइस. बहुत गुस्से में गाइस ट्रेवर कुछ भी कर देगा गाइस. बहुत गुस्से में गाइस. मेरे को नहीं लग रहा आज एक दो अनिल ब्रदर बचेंगे क्योंकि गाइस वो एक तो हमारा धंधा खा रहे हैं गाइस. वहाँ तक तो ठीक है. वो उसके बाद टॉमी वर्सेटी के साथ तुम जाने जाते गाइस हमारी बहुत बुरी लग जाएगी अगर ये बात माइकल और फ्रैंकलिन को पता चली टॉमी वर्सेटी के साथ हमारे जो है. गाइस फोन आ रहा है अनिल का हमको. क्यों फोन क्यों कर रही है हमको गाइस. फोन कर रहा है गाइस ट्रेवर बहुत गुस्से में. बिजनेस बिजनेस तू हमको. ओके गाइस हम किधर है इतना नाम गिना के. Start writing those names on tombstones, cause I'm on the way to your lab and we're gonna see how much of a family meth business you got when I'm done. Good guys. तो टॉमी वर्सेटी से हाथ मिला रहा गाइस वो. हाँ टॉमी वर्सेटी से हाथ मिला के हमारे लिए गड़बड़ कर रहा है. वो पता है कि हमारी लगी पड़ी है. जब पता है तो दूर रहने चाहिए गाइस. क्या अब तो कोई नहीं बचने लगा इससे भाई भाई. ओह शिट गाइस काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. जितने भाइयों का नाम लिया गाइस पूरे भाई यहीं लगता है. ये रहे कहीं कौन कौन से नाम लिया था गाइस शायद आपको याद होगा. कमेंट में बताना मैं तो भूल गया. काफ़ी सारे साथ अपने भाइयों का नाम लिया. ओह शिट गाइस शूटिंग प्रैक्टिस गाइस. सबके पास गन भी है. I just spoke to that maniac Trevor. He's coming. Get down to the meth lab and protect it. I hope he don't get through these idiots. Hey guys, I'm बता दिया कि आ रहा था वह. Come on, let's go see that. Guys, और भी लोगों को बुला लिया इसने. Oh, how many brothers you got? Destroy O'Neill meth lab. Guys, वो तो अपन कर ही देंगे पर मैं सोच रहा हूँ पहले धीरे-धीरे एक-एक आदमी खत्म करूँ. सबको अलग-अलग अगर मैं मारूँ. शायद मुझको प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस. इधर ये दो बात कर रहे हैं
इधर ये है गाइस, काफी सारे हैं इधर भी, ये अंदर काम कर रहे हैं गाइस। मगर इन दो को उड़ाऊंगा तो इसको पता चल जाएगा, इसको पता चल जाएगा, तो इसको गाइस मारना तो पड़ेगा। मैं सोचता हूँ इन दोनों को एक साथ ही उड़ाऊं। ओह शिट, तो गए दोनों गए गाइस, ये तो गए, ये दो गए एक साथ। शिट गाइस, इन्होंने मुझे देख लिया है। आ जाओ अनिल ब्रदर्स, आज वैसे भी मैं ढूंढ में छू, बचेगा तो कोई जिंदा है गाइस, कोई तो जिंदा दिख रहा। गए 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 गए। शिट गाइस, इधर से भी आ रहे हैं मेरे पीछे, काफी सारे हैं गाइस। ये गाली भी दे रहे हैं गाइस, अभी गाली दे रहे हैं तो गाइस आपने देखो बोलते ओ जी तो गाली दे रहा है। अब इसका तो मैं खत्म कर दूंगा। हो गए 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 गाइस, आधे आधे क्यों मर रहे गाइस। ए ए हेलो, मर के भी जिंदा हो रहा है। ओनिल ब्रदर्स आज नहीं बचोगे, टॉमी वर्सेटी के साथ दोस्ती करके हमको फंसाने चले थे, इतना आसान थोड़ी का। यहाँ कोई छुपा है गाइस, है कोई तो है गाइस। नहीं गाइस, भाग गया वाला, अभी भी कोई तो है गाइस। कौन है, कहाँ बैठा, कहाँ से मार रहा है यार। होगा गाइस कहीं, चलो इनको आगे बढ़ते चलते, जितने आगे दिख रहे हैं उनको मारना जरूरी है। अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा गाइस, ये इधर वाला भी बाहर आ गया। रुक 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 रुक, ये रहा गाइस, एक पैर में गली पड़ के लड़खड़ा गया। तू लड़ने आना फिर, तुम हमारे बिजनेस में बीच में आ जा, नहीं तो आ ही जाइए, पेड़ों के पीछे मत छू। आना 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 आना, आया मजा आया, नहीं आया तो और लो, हमारा बिजनेस छुड़ाओगे, टॉमी वर्सेटी से दोस्ती करोगे, हम लोग इतने हल्के लग रहे तुमको कि हम डर जाएंगे। आए गाइस और काफी सारे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे गाइस। ये रहा एक, गन इतने प्यार से लेके नहीं आते गाइस, अंदर भी हैं काफी सारे, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर घुसने का रास्ता यही होना चाहिए गाइस। हाँ यही है, ओके 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 गाइस हैं यहाँ पे। ये एक भाग रहा था, अरे शूट शूट शूट, दो साइड रखो, ये एक नीचे बैठा हुआ है नीचे, वो कहीं और से गाइस। अच्छा बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन का है हम लोग, नहीं तो भी बहुत दिक्कत हो जाती गाइस। ये रहा एक शॉट गन, शॉट गन, शॉट गन, अभी गाइस एक और है कोई, एक और ए अचानक से आ रहा है, ए दिखा नहीं नहीं नहीं, ओके 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 एक और आ रहा है, चलो जाओ एक गाइस, ये भी जिंदा है गाइस। अरे कोई और भी गाइस इधर पे शॉट गन लेके आ जा, आ जा बेटा, भरा 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 लो। इतने आसानी से ड्राइवर मरेगा क्या, ड्राइवर ड्राइवर कोई तो है गाइस नीचे जिसको हमें और मारना है। ओके गाइस कोई तो है, गैस इन अ मेथ लैब, ओह यू आर गोना बर्न यू इडियट्स। ओके गाइस, आई डोंट नो हाउ मेनी, ए ए ए ए ए ए ए ए, नहीं मारना नहीं हमको गाइस। ओके गाइस, तो हमें जेरी कैन से यहां पूरा गैस डालनी है गाइस। चलो गाइस, तो अभी हमको यहां से ना मार्क करते जाना है, जितने जल्दी लो पॉइंट्स पर गाइस पूरे डालते जाना है। खैर गाइस सारे तो मर गए, पर तीन भागे हैं गाइस स्टार्टिंग में कार में। मुझे डर है ये ना बताते जाके गाइस उनको, किसको, टॉमी वर्साटी को, हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपके ऊपर से भी डालते ले जाते ताकि आपको भी मजा आए जलते हुए। चलो गाइस, ये आप भी जलो, आप भी जलो, सब जलो, हमारा बिजनेस कर रहे हो, टॉमी वर्साटी से हाथ मिला रहे हो, वो भी ट्रेवर के खिलाफ गाइस। एक बार का मैं बोलता हूँ, माइकल और फ्रैंकलिन होते तो छोड़ भी देते हैं, ट्रेवर नहीं गाइस, ड्राइवर का फंडा ही नहीं छोड़ने वाला, माफ करने वाला, वो तो गाइस खत्म करता है, तैने खत्म करता है, खत्म करे बगैर नहीं छोड़ता। कितना डालेगा ड्राइवर, हो गया ना भाई, अब तो मट्टी तेल भी खत्म हो जाएगा, बस 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 खत्म कर दे। ओके गाइस, तो हमें इसे शूट करना है गैसोलीन को। चलो गाइस, तो बोलते हैं अपन 1 2 3 और देखते तमाशा। भाई गाइस हालत खराब कर दी इसने तो, गाइस पूरा चला दिया, शिट गाइस फिर के अंदर भी आग लग गई गाइस। ऊपर से मैथ लैब पे ब्लास्ट तो बहुत बड़ा होगा, ओह शिट, ये होता है हमसे पंगा लेने का। अरे बाबा, अब कोई पंगा नहीं लेगा गाइस हमसे, सब डरेंगे। चलो गाइस गाड़ी से हम निकलते हैं, हमें कहीं दूर जाना है यहाँ से, यार आए तो फंस जाएंगे। खैर हमने बचा तो लिया अपने आप को, अब हम टॉमी वर्साटी से भी बच चुके हैं, क्योंकि अभी फिलहाल उसे पता नहीं चलेगा। वो तीन भाई जो जिंदा हैं उन्हें जब तक पता चलेगा गाइस कि हमने मार दिए, जब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी, तब तक उन सबको पता चलेगा। चलो गाइस हम निकल तो गए यहाँ से दूर, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, निकल गए। चलो हम वापस हम शहर तरफ चलते गाइस, देखते फ्रैंकलिन क्या कर रहा है गाइस।
कहीं घूम फिर रहा होगा गाइस, कुछ ना कुछ हंसी मजाक मस्ती में होगा। फ्रैंकलिन तो फ्रैंकलिन है गाइस, चलो फिर भी देखते हैं। पहुंच ही गए हम फाइनली जहां फ्रैंकलिन है। अब वापस हम अपने फेवरेट कैरेक्टर के अंदर आ चुके गाइस, जो कि है फ्रैंकलिन। ये आ गए हम, क्या कर रहे हैं फ्रैंकलिन जी? गाइस कपड़े प्रेस कर रहे हैं अपने गाइस। फ्रैंकलिन कपड़े पे प्रेस हो गए गाइस उसके, अब लेकिन काम वाम करता है गाइस फ्रैंकलिन, कपड़ों पे प्रेस कर लिया। चलो गाइस तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं हमको आगे क्या करना है और अपना स्टोरी लाइन में। आज भी गाइस काफ़ी मज़ा आया, खूब अच्छा है गाइस। आप लोग को भी अगर आज के वीडियो में मज़ा आया हो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए गाइस। आज के स्टोरी में बस इतना ही गाइस, अब आगे हमें डेविन वेस्टन के साथ मिलकर और बहुत सारे कारनामे करने हैं। बस गाइस ये देखेंगे अब हम कल, तब तक के लिए बाय।